देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। रायबरेली में क्षेत्र के लोगों के आस्था के प्रतीक बाबा सूरदास कोटी मंदिर एवं मेला मैदान सलेतों की जमीन पर फर्जीवाड़ा कर नाम दर्ज किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने बचरावा रोड सलेतू में धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन किया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को सुन अनशन खत्म करवाया। वही शासन प्रशासन की मौजूदगी के दौरान एक बुजुर्ग पर प्रदर्शनकारियों का विरोध कर रहे दूसरे पक्ष के लोग हमलावर हो गए, जिससे बुजुर्ग को गंभीर चोटें भी आ गईं। मामले को तूल पकड़ता देख क्षेत्राधिकारी गोपीनाथ सोनी की अगुवाई में कोतवाली पुलिस ने गांव में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च भी किया। आपको बता दें कि सलेतू गांव के पूर्व प्रधान इसरार हुसैन उर्फ कल्लू एवं गांव के ही मौजूदा क्षेत्र पंचायत सदस्य अनिरुद्ध तिवारी ने पिछले एक सप्ताह पहले शासन को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि गांव सभा की जमीन जिस पर बाबा सूरदास कोटी के नाम से हनुमान मंदिर स्थापित है और परिसर की जमीन पर मेला आयोजित होता आया है, लेकिन गांव के ही कुछ लोग और मौजूदा लेखपाल की मिलीभगत से फर्जी नाम दर्ज कर क्षेत्र की आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। सुबह तय समय पर सुनवाई न होने से सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर आमरण अनशन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि लेखपाल की मिलीभगत के चलते ग्रामीण अनशन को मजबूर है। वहीं सैकड़ों की तादाद में अनशनकारियों की सूचना मिलने से शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे कोतवाल राकेश सिंह और तहसीलदार विनोद कुमार सिंह के समझाने बुझाने पर ग्रामीणों ने अनशन खत्म कर दिया। इस दौरान तहसीलदार ने कहा कि मंदिर स्थित गांव की जमीन हथियाने और अभिलेखों में हेरा फेरी कर नाम दर्ज किए जाने की जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने के दौरान ही एक बुजुर्ग को मारे पीटने का मामला भी सामने आया है। मोहम्मद इब्राहिम कहाँ के रहने वाले हैं? सलेतू के। आपको किसने मारा है? राम प्रकाश और बरदान अमर दूठे चमारन के लोंगे किस्म रहे एक और लंबड़ा क्या जयप्रकाश और खड़े रहे शिवाकांत तो खड़े रहे और एक लौंडा तिवारी। क्या क्या मामला था? ये लोग अनशन बैठे रहे हैं। किस लिए? जमीन की विवाद में। कहाँ की जमीन विवाद था? वहाँ मेला की जमीन थी। अच्छा, उसी विवाद में अनशन बैठे थे। मैं 15 साल तक जो है अध्यक्ष था जी, और ये पूरा आक्रमण हो रहा 1866 नंबर जो मेले मैदान में है उसको शिवाकांत तिवारी और कर सब लोगों ने अवैध कब्जा किया रखा और अपने नाम दर्ज तो आज, रखा। आज क्या मामला था? आज राजेश कर्मी छुड़ाने आ रहे थे क्या कब्जे को? हाँ, लेकिन हम लोग जो है अमरण अनशन पर बैठे थे तो तहसीलदार साहब से मेरी बात हुई, वार्ता हुई तो उन्होंने कहा इसका हम निस्तारण तत्काल कर देंगे जी। हम लोगों ने वो बात उनकी मान ली, उधर चले गए। लेकिन पूर्व प्रधान जो सलेतू के हैं कल्लू, उनके भाई जी आ रहे थे तो इन लोगों ने जी उनको मारा। हमारा सर ग्राम सभा की संपत्ति है जी, बाबा सूरदास की संपत्ति है जी, इसको हमारा गांव चकबंदी में था जी, तो इस नंबर को सब खारिज करवा दिया जी, ये सब खारिज हो गए जी। इन्होंने पुनः तहसील में फिर तरह अपने नाम दर्ज करवा लिए जी। इसको लेकर हमने डीएम से एसडीएम से एप्लीकेशन दी है जी, ये पुनः खारिज हो चुका है जी, के नाम कैसे आ गया? तो आज उसी कार्रवाई होनी थी, उसी कार्रवाई होनी थी जी। हम लोगों ने अनशन की नोटिस ले दी थी, अनशन बैठेंगे, हम लोग अनशन में बैठे, हम लोग हमें मारा गया, लोगों को मारपीट के बनाया गया। किसने मारा है? जयप्रकाश ने मारा। जयप्रकाश प्रधान पति है कि प्रधान है? प्रधान है। और अमर सिंह और बरदान सिंह और आर पी साहू और क्या क्या नाम है, मनोज तिवारी जी और मनीष तिवारी। क्या इनका लोग का कब्जा है? क्या जिनके कब्जा है लोग बेमानी करे हुए जमीन। तहरीरकर्ता मुकीम ने बताया कि उनके बड़े भाई इब्राहिम पुत्र इमाम बख्श प्रदर्शन के दौरान अपने खेत जा रहे थे कि तभी घात लगाकर बैठे गांव सलेतू के ही अमर सिंह पुत्र रामलखन, राम वरदान पुत्र रामलखन, मनीष तिवारी, मनोज तिवारी पुत्रगण शिवाकांत, जयप्रकाश साहू, रामप्रकाश साहू पुत्रगण कन्हैया लाल ने लाठी डंडों से मारा और गला दबाकर जान से मारने की धमकी दी। मामले में कोतवाल राकेश सिंह ने कहा घायल को चिकित्सक के पास इलाज के लिए भेजा गया है। उपरोक्त सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मारपीट की घटना होने से गांव में तनाव का माहौल है।
जिसको देखते हुए क्षेत्राधिकारी गोपीनाथ सोनी ने लोगों से शांति व्यवस्था बरतने की अपील कर फ्लैग मार्च किया। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता ज्ञानेंद्र अवस्थी मोनू की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ